ट्रेनों से यात्रा करने वाले पैसेंजर्स के लिए खुशखबरी है। कोरोना काल से पहले की तरह होगा रेल सेवा का संचालन। रेलवे ने कोविड से पूर्व की तरह ही सामान्य रेल सेवा बहाल करने का ऐलान किया। अगले कुछ दिनों में 1700 से अधिक ट्रेनें जल्द ही संचालित होंगी। सभी ट्रेनों में कोविड-19 से जुड़े एहतियात और प्रतिबंध लागू होंगे। स्पेशल ट्रेनें बंद होगी। किराए में कोई बदलाव यहाँ पर नहीं किया जाएगा। किराया वैसा ही रहेगा, लेकिन ट्रेनों से यात्रा करने वाले पैसेंजर्स के लिए जरूर यह खुशखबरी है। जहां कोरोना काल से पहले की तरह अब रेल सेवा का संचालन होगा। बहुत सारी ट्रेनें बंद कर दी गई थी। रेलवे ने कोविड से पूर्व की तरह सामान्य रेल सेवा बहाल करने का ऐलान कर दिया गया है। अगले कुछ दिनों में ही 1700 से अधिक ट्रेनें जल्द ही संचालित होंगी, जिन्हें बंद किया गया था कोविड के चलते। सभी ट्रेनों में कोविड-19 से जुड़े एहतियात और प्रतिबंध यहाँ पर लागू होंगे। स्पेशल ट्रेनें बंद होंगी। किराए में कोई बदलाव यहाँ पर नहीं किया जाएगा। और जो संवाददाता काशीराम चौधरी हमारे साथ जुड़ गए हैं। काशीराम, 1700 से ज्यादा ट्रेनें थी जो पहले बंद की गई थी, संचालित होने जा रही है, अच्छी खबर है, पूरी जानकारी चाहेंगे। जी सर, तो बिल्कुल, देखिए यात्रियों के लिहाज से एक बड़ी खबर है, बड़ी राहत दी है रेलवे प्रशासन ने। क्योंकि कोविड से पहले जो ट्रेनें बंद हुई थी वो अब सभी संचालित होने लगेंगी। और रेलवे प्रशासन ने यात्रियों की संख्या कम करने के लिए एक स्पेशल ट्रेनों का इनको नंबर दिया था, ताकि किराया अधिक बड़ा लगेगा इन ट्रेनों में। करीब 30% तक किराया ज्यादा किया गया था। और इसका उद्देश्य यह था कि जो गैर जरूरी लोग यात्रा करते हैं वो यात्रा नहीं करें, और अब उसमें राहत दी गई है। और अब जो सभी ट्रेनें स्पेशल नंबर से जो चलती थी वो अब सामान्य नंबर से चलेंगी, जो जैसे पहले नियमित रूप से चलती थी। तो उससे ये असर होगा कि किराया जो ज्यादा लगता था उसमें भी कमी आएगी, ट्रेनों के जो संचालन की संख्या है वो भी बढ़ेगी। तो कुल मिलाकर यात्रियों के लिए राहत की बात है, और सभी ट्रेनें अब तो पूर्व की भांति कोविड से जो पहले चलती थी उसी भांति अब ज्यादा चलेंगी। चलिए, शुक्रिया काशीराम आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो किराए में भी राहत यहाँ पर मिलेगी, स्पेशल ट्रेनें यहाँ बंद होगी और पहले की तरह सामान्य तौर से ट्रेनें चलेगी जो चलती थी, जिन्हें बंद किया गया था कोविड के चलते, और इनकी संख्या 1700 के करीब है।